ईशान किशन को अपने टीम में पाने के लिए प्रीति जिंटा ने किया ऐसा सर्वनाक काम। तो दोस्तों आखिर क्या है वह सर्वनाक काम जो कि ईशान किशन के साथ कर दी प्रीति जिंटा, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि ईशान किशन जो कि इन दिनों खूब ज़्यादा सोशल मीडिया पर बने हुए हैं और दोस्तों हर तरफ जो कि ईशान किशन का ही चर्चा होते हुए नजर आ रहा है जब से दोहरा शतक ठोके हैं। और दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ जो ईशान किशन ने 210 रन मारे जिसमें कि वह जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन में दिखे, जिस प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल 2023 का ऐलान हो चुका है। और दोस्तों इसमें जो कि ईशान किशन को सब टीम के मालिक जो कि अपने अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं ईशान किशन को। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि प्रीति जिंटा जो कि पंजाब किंग की मालकिन है और दोस्तों उनका कहना है कि ईशान किशन किसी भी कीमत पर मुंबई इंडियन में नहीं जाना चाहिए और इसके लिए हमें जितना पैसा या जो भी कुछ करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि प्रीति जिंटा जो कि उनके साथ गलत काम भी करने को तैयार हो गई है ईशान किशन के साथ। लेकिन दोस्तों इस तरह से जो कि ईशान किशन जो कि इतना ज़्यादा ईशान किशन का नाम जो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं ईशान किशन जो कि आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले हैं। और दोस्तों इस बार फिर से ईशान किशन ने कुछ ऐसा ही कर दिया जिसके वजह से ईशान किशन जो कि इस बार फिर आईपीएल में जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी में बिकने वाले हैं। और दोस्तों प्रीति जिंटा का साफ साफ कहना है कि यह खिलाड़ी मेरे टीम के अलावा किसी भी खिलाड़ी किसी भी टीम पर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों यही सब लेकर सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा बवाल होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर ईशान किशन को क्या प्रीति जिंटा के टीम से खेलना चाहिए या फिर मुंबई इंडियन से? आपको जो लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। और ईशान किशन जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगता है ईशान किशन का तूफान जो कि थमने लायक नहीं है और दोस्तों जिस तरह से वह बांग्लादेश के खिलाफ जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएं इसको लेकर जो कि ईशान किशन काफ़ी ज़्यादा चर्चित होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ईशान किशन जो कि एक ऐसा सितारा बन चुका है जो कि टीम इंडिया के लिए एक धाकड़ बल्लेबाज बन गया है। लेकिन दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों ईशान किशन और प्रीति जिंटा को लेकर।